वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं मशरूम। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि मैं मशरूम लेके आई थी, तो ये कुछ इस तरीके का मशरूम है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है, बस इसे कट करना है। जो रूट्स है रूट्स को कट करना है, बाकी इसमें कुछ भी गंदगी नहीं है। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन करके वॉश करके फिर से, तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है जो कचरा है, इसके रूट्स थे वो मैंने निकाल दिए हैं। और बस इसको आप इस तरीके से बारीक कट कर लीजिए। तो ये काफ़ी डेलिकेट है, इसीलिए मैं सीजर यूज़ कर रही हूँ। ये तो कट हो चुके हैं मशरूम। इसको एक बार दो बार वाटर से वॉश कर लूंगी, और वहां पर मैंने पानी गर्म करने रखा है तो इसको बॉईल करना है। मैं पानी गर्म करने रखा था और अब इसमें हम अपना मशरूम ऐड कर देते हैं और इसे बॉईल करना है। थोड़ी बाय द टाइम मशरूम्स बॉईल हो रहे हैं, तब तक ये बाकी के जो वेजिटेबल्स हैं इसको हम कट कर लेते हैं। तो वहाँ पर हमारे मशरूम्स बॉईल हो चुके हैं, तो चलिए मशरूम्स को लेके आते हैं। थोड़ा सा बॉईल होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया है, तो अब इसको लेके चलते हैं वहाँ। ये देखिए, तो ये मशरूम्स ड्रेन हो गया, इसको ठंडा करने रखते हैं, वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं और फिर सब्जी बनाते हैं इसके। तो फ्रेंड्स ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो रेडी कर लिए हैं मैंने मशरूम, आलू और मशरूम बनाने के लिए, लाइक पोटैटो और मशरूम। तो देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये रेगुलर इंडियन स्टाइल वेजिटेबल बना रही हूँ मैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने ऑनियंस चॉप करके रखे हैं। ये है जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, यहाँ पर है मिंट लीव्स और धनिया पत्ती, और टमाटर है हमारे पास, और ये है पोटैटो, और ये जो मशरूम थे जिसको हमने बॉईल करके स्ट्रेन किया था, तो ये मशरूम है। वैसे हम इंडियन वेजिटेबल बनाते हैं वैसे ही मैं बनाने वाली हूँ, बट इसमें जीरा वगैरह इसका तड़का नहीं जाएगा, बस यही सारी चीज़ें जाएंगी। तो थोड़ा सा सॉल्ट और सॉल्ट टर्मरिक और थोड़ा सा मसाला भी ऐड करूँगी थोड़ा टेस्ट के लिए। कढ़ाई रख दिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, और अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली। इसको हल्का सा रोस्ट करके रेड कर देंगे। देख सकते हैं जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज रेड हो चुके हैं, और अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो प्याज है इसको मैं फुल ब्राउन नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे एकदम ब्राउन क्रिस्पी नहीं चाहिए। और अब मैं इसमें टमेटोज ऐड कर रही हूँ। टमेटोज को अच्छे से पकाने के लिए हम इसमें सॉल्ट, हल्दी और थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, तो 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, ये है सब्जी मसाला 1 स्पून मसाला। हल्दी और टमाटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर अच्छे से चलाएंगे हम।
तो फ्रेंड्स ये देखिए टमेटोज मैश हो चुके हैं और अभी इसमें हम ऐड करेंगे पटेटोज, क्योंकि पटेटोज को पकने के लिए टाइम लगेगा तो इसीलिए मैंने पहले पटेटोज ऐड कर दिए हैं। और ये पटेटोज को पहले मैं हाफ कुक कर लूँगी कवर करके और उसके बाद मैं मशरूम ऐड करूँगी। तो अभी मैंने पटेटोज ऐड कर लिया है, अब मसाले मिक्स करती हूँ और इसको कवर करके रख देती हूँ पटेटोज को हाफ कुक होने तक। तो मसाले मिक्स हो गए हैं पटेटोज के साथ और इसको मैंने कवर कर दिया है हाफ कुक होने तक। बाय द टाइम वहाँ पर सब्जी बन रही है, इस वाले फ्लेम में मैंने पैन रख दिया है क्योंकि इसमें मैं बनाने वाली हूँ डोसा, तो आलू मशरूम के साथ हम डोसा खाएंगे। तो आप देख सकते हैं डोसा का बैटर रेडी है हमारा, तो चलिए इसको वहाँ पर लेके जाते हैं। तो ये डोसा का बैटर रेडी है और यहाँ पर मैं अभी डोसा बना रही हूँ। मैं आपको एक ही डोसा बनाते हुए दिखाऊंगी, बाकी का मैं नहीं दिखा सकती हूँ फ्रेंड्स टाइम की कमी के कारण। तो डोसा बैटर हमने पोर कर लिया है और धीरे से अभी इसको स्प्रेड करना। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा डोसा रेडी हो चुका है और तो इसके साथ हम आलू और मशरूम खाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पटेटोज भी हाफ कुक हो चुके हैं और इसमें अभी मैं मशरूम ऐड करूंगी। तो ये अभी पटेटोज हाफ कुक हो चुके हैं और अब इसमें मैंने मशरूम ऐड कर लिया है और मिक्स करेंगे और अब पटेटो को फुल कुक होने तक पकाएंगे। भरत जो पुदीना है वो भी लाके दे देना, धनिया और पुदीना भी कट करके रखा था इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब पटेटो फुल कुक होने तक इसको पकाएंगे कवर करके। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा आलू मशरूम का सब्जी रेडी हो चुका है और डोसा भी ऑलरेडी हो गया है रेडी। तो अभी हम लोग अपना लंच कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये है हमारा आज का खाना, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।